ओम शांति। आज 17/2/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती है। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। क्वेश्चन है, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? उत्तर है, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है सभी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ओम शांति। इस गीत की एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हमसे दूर रहे। परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं, दुनिया में तुमने चारों तरफ फेरे लगाए फिर भी परमात्मा से दूर रहे। तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं, अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? यह चक्कर का फेरा है, सत्युग त्रेता आदि यह फेरा हुआ ना। जितना बाप को याद करेंगे, चक्कर को फिराएंगे, उतना हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़ेगा, क्योंकि विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है, यह निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते हैं, तब तक कुछ न कुछ दुख लगता रहता है। पिछाड़ी में यह सब खत्म होने हैं। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति, विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान भवन यह उनको समझानी भी देनी पड़ती है। तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए उस ज्ञान विज्ञान भवन में। तो सभी मनुष्य और फॉरनर आदि आकर के भारत का यह सहज योग और ज्ञान समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में यह भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, और विज्ञान अथवा योग से एवर हेल्दी कैसे बनते हैं, सो तुम आकर के समझो। जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है, यह तो समझने की बात नहीं, एक को समझने की बात नहीं है, इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया, कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती है, चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं। कोई भी देसी चाहे विदेशी आकर के समझें। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा चाहिए, उनके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र हो, ऊपर में चोटी। सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
यह ब्रह्मा ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए तो समझने में सहज हो जाएगा। इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है यह ब्राह्मण अडॉप्ट है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बचे हैं, समझाने की हमें बड़ी युक्ति चाहिए। सबको निमंत्रण भेजना चाहिए, चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखकर नई राजधानी स्थापन हो रही है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं, उसमें भी आश्चर्यवत पश्यंती सुनंती कथंती बघंती हो जाते हैं। यहाँ गरीब भी हैं तो सौकार भी हैं तो बीच वाले भी हैं। सौकार जल्दी नहीं उठ सकते, बाबा ने तो समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे परंतु अत्याचार होंगे, बहुत अत्याचार होंगे। काम केसु क्रोध केसु विष न मिलने के कारण मारते हैं, कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे या श्रेष्ठाचारी बनेंगे, बाबा आते ही हैं पतित। भ्रष्टाचारी दुनिया में इस रावण राज्य में पहले काम केसु है, श्रेष्ठाचारी राज्य को कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी, उनमें विकार होता नहीं है। यह प्रश्न भी नहीं उठता कि वहां पैदाइश कैसे होती है, अरे राम राज्य में विष होता ही नहीं है। यह तो रावण का राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी दुनिया है, यह तो रावण का राज्य है ना। श्रेष्ठाचारी बनाना परमपिता परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग में वॉइसलेस वर्ल्ड है, स्वर्ग को का क्या कहेंगे, वॉइसलेस वर्ल्ड। वहां विष नहीं होता, सतयुग में विष नहीं होता, वहां रावण नहीं होता, माना पांच विकार वहां नहीं होते। अभी तुम राज्य लेते हो योग बल से, रावण का खात्मा अब होना है। अभी है ये संगम युग, अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सत्यों की जब आदि होती है तब वहां एक भी विकारी हो नहीं सकते। संगम पर दोनों है ना, मैला पानी और सफेद पानी, उनका ही संगम कहा जाता है। मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। तो अभी दुनिया का भी संगम है, आत्मा परमात्मा का भी संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है, नदी तो सागर में ही पड़ी है ना। बाकी पानी का फर्क तो होता नहीं है, बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बना नहीं सकता। त्रिलोकी माना त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ तुम ही बनते हो, कृष्ण को भी नहीं कह सकते। त्रिलोकी नाथ तीनों लोकों को जानने वाला एक ही है, त्रिलोकी नाथ त्रिकादशी सिवाय परमपिता परमात्मा के दूसरा कोई हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान नहीं है। तो बाबा का टाइटल है वह ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं होता है। तुम ऊंच हो, जो बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ समझते हैं वह तो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी हो जाएंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए,
बाबा कहते हैं हर धर्म वाले को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है, आकर के समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में यह चीजें तो हो, कितने फॉरनर आकर के नॉलेज लेवे। आखिर अंत में तो सबको समझाना ही है ना, विनाश भी अवश्य होना है, तो क्यों नहीं बाबा को याद करें तो विकर्म भी विनाश हो। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना ऊंच पद मिलता जाएगा। सारा मदार ज्ञान और विज्ञान पर है। मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे, उनकी आत्मा में पाठ ही ऐसा है। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहती है। तुम ऊपर जाते रहते हो, वह नीचे आते रहते हैं। तुम्हारी है चढ़ती कला और सबकी है उतरती कला। सबको वापस जाना है, वह तो कॉमन है। बाकी वर्षा लेना यह भी समझते हैं। कल पहले जो जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वह सब साक्षी होकर के देखते रहते हैं। आएंगे तो बहुत दिन प्रतिदिन युक्तियां भी अच्छी अच्छी निकलती रहती है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे अच्छे चित्र हो। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र हैं। कोई टेढ़े बांके कृष्ण के ऐसे आर्ट के चित्र बना देते हैं, तुम्हें उसकी दरकार नहीं है। वहां देवताएं डांस करते हैं, वह तो खुशी में खेल पाल करते हैं। यह आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है। वहां तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं, वाइस्कोप आदि वहां कुछ भी नहीं है। इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो, बाप को भी तुम पहचानते हो। मनुष्य की बुद्धि में थोड़े ही बैठता है कि यह कौन है, क्योंकि नाम सुना है कृष्ण, श्री कृष्ण। चित्र भी फर्स्ट क्लास है, नाम ही है श्याम और सुंदर। काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आकर गोरे बन जाते हैं। बुद्धि में आना चाहिए तो सत्युग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर काम चिता पर बैठ भिन्न भिन्न नाम रूप में आकर श्याम बने हैं। वो लोग समझ नहीं सकते तो काला क्यों किया है, तुम जानते हो। अब कैसे समझाए, किसी का चित्र देवे श्याम और सुंदर इनको ही कहेंगे। ऐसे ही रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं, उनको काला क्यों किया है यह नहीं समझते हैं। प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है, हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाए। बाकी दूसरे सीखते रहेंगे, निमंत्रण तो सबको देना है। भले कोई गाली दे, गाली तो संगम पर खानी ही है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते जी गुड मॉर्निंग श्री बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम महाशत्रु पर विजय बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं है। दूसरा है योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है, वरदान है। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव।
बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेह की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी कहते हो बाबा हम बोलते हम स्नेह का रिटर्न क्या दें। तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, स्नेह में कमजोरी का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो लेकिन रावण का सिर उतारो, माना पांच विकारों को दे दो। थोड़ी भी कमजोरी का सिर नहीं रखो अपने पास। स्लोगन है हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। ओम शांति।